अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 3 की आज क्लास नंबर 19 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंपैक्ट प्रिंटर को देखा था और उनकी एग्जाम को, तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूसेस इमेजेस और पेपर विदाउट स्टिकिंग द पेज इन एनी वे। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये इमेज और पेपर्स को प्रिंट करता है, सबसे पहले चीज़ तो ये आ जाती है, और उसके बाद ये विदाउट स्टिकिंग होता है। यानी कि जो हमने इंपैक्ट प्रिंटर्स में देखा कि उसके अंदर हम देखेंगे थे कि वो एक छड़ी नुमा या एक पिन होती थी, जो कि पिन कागज़ के ऊपर बार बार टच होती थी, जिसकी मदद से हम लोग को टेक्स्ट लिखते थे। लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई स्टिकिंग नहीं होती, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर लिक्विड और इंक वगैरह ही सिर्फ इस्तेमाल होती है, इसके अंदर किसी तरह का भी कोई पिन वगैरह नहीं यूज़ होती। There are several types of non-impact printers called thermal and electrostatic printers. Non-impact printer कई इकसाम के होते हैं, मसलन thermal और electrostatic printers. These printers use our chemically coated paper on which the characters are exposed by some means such as a laser. ये printer एक ऐसे कागज़ को इस्तेमाल करते हैं जिस पर कैम्पियाई तह चढ़ाई होती है, ठीक है, इनकी केमिकल लगा होता है किस्म का, और जिस पर करैक्टर्स को किसी तरीके से जाहिर करते हैं जैसे लेजर। दिस मीन्स डैट दिस प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस अ प्रिंटेड इमेजेस विदाउट स्टिकिंग द पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंटर्स कागज को किसी चीज से टकराए बगैर इस पर इमेज प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि हमने प्रीवियस में देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पिन्ने लगी होती हैं जो कि कागज़ के साथ टकराती हैं, और टकराने के बाद वो प्रिंट करती हैं, जैसे कि टाइपराइटर अगर आपने देखे हो, ठीक है, तो उनकी तरह के टाइपराइटर की तरह ये टकराता है पेज के साथ और करता है। लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में किसी तरह की स्टिकिंग वगैरह नहीं लगी होती, जिसकी वजह से ये कागज़ के साथ चिपके बगैर, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंट कर सकता है। बिकॉज द प्रिंटिंग डिवाइस इज अ सिंपल एंड हैज नो मूविंग पार्ट्स, दिस प्रिंटर्स आर इन एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर एंड साइलेंट। चूँकि इनमें छापने वाला आला ज़्यादा सादा होता है और इसमें हरकत करने वाला कोई हिस्सा नहीं होता, इसलिए इन्हें तैयार करने में बहुत कम लागत आती है और इनमें कोई शोर भी नहीं होता। वेरी फास्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर कैपेबल फॉर प्रिंटिंग मोर देन 24 पेजेस पर मिनट। बहुत तेज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एक मिनट में 24 से ज़्यादा सफ़ात प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर एक्सप्लेन बेलो। मुख्तलिफ इकसाम के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की वजाहत नीचे हम करेंगे, यानी कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। उनकी फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इकसाम काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग उनको वन बाई वन टच करेंगे ताकि वो हमें अच्छी तरह से समझ आ सके। तो बस इसी के साथ खत्म हुई। अगर आज की क्लास के वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ।